ये देखिए मनीष जी हैं, और वही मनीष जी जिनका पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, आरओ प्लांट वाले। और आज हमने एक घर पे लगवाने के लिए गांव पे अपने आरओ का ऑर्डर दिया था। और देखिए बारिश में ये मौसम देख रहे हैं कितना ख़राब है, और इस मौसम में ये पहुंचे हैं यहाँ से पडरौना से 80 किलोमीटर दूर मेरे गाँव पे। यहाँ पे देखिए मनीष जी सारा सामान यहीं पर लेके आ गए थे, और यहीं बैठ के अभी देखिए असेंबलिंग कर रहे हैं। और भी मेरे मित्रों को लगवाना था आरओ, तो तीन चार लेकर आए हैं यहाँ पे। एक तो सेट हो गया है और सारा असेंबलिंग यहीं पे हुआ है। नमस्कार, मैं श्री गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को मैं दिखाना चाहूंगा आज की मनीष जी, जिनका मैंने पहले वीडियो बनाया था आरओ प्लांट के बारे में, कि आप आरओ प्लांट लगा के आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं कैसे आप आरओ प्लांट लगा सकते हैं, अपने गांव पे रह के पैसे कैसे कमा सकते हैं। आज मैंने मनीष जी से इच्छा जाहिर की थी अपने कि भाई मुझे घर पे, जैसे गांव का पानी आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह अपने क्षेत्र का पानी जो वाटर लेवल है वो गिरता जा रहा है, और पानी की क्वालिटी जो है वो खराब होते जा रही है। टीडीएस जो है हमारे यहाँ 300-400 है, अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा मेरे गांव पर। और मम्मी पापा को जो है गांव पे पानी पीने में दिक्कत हो रही है। हम लोग शहर में तो भाई 20 रुपए वाला जार खरीद के हम लोग पी लेते हैं, आप लोग देख रहे होंगे शहर में तो सभी लोग खरीद के ही पानी पी रहे हैं, लेकिन गांव में वो सुविधा अवेलेबल नहीं है कि कोई पानी यहाँ पे खरीद के पी सके। इसलिए हमने मनीष जी से अपनी इच्छा जाहिर की थी कि भाई कोई बढ़िया सा एक कम बजट का आप आरओ मेरे घर पे लगा दें। तो मेरे फोन करते ही अभी बारिश के मौसम में वो पडरौना से चल के मेरे गांव पे पहुंचे हुए हैं, और करीब 70-80 किलोमीटर वो आए हैं। उनका सर्विस मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बरसात में वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पूरा मैं आपको जो आरओ जो घर में यूज करने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, आरओ जो मशीन है, प्लांट है जो, मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे कम सस्ते में आप भी लगवा सकते हैं कम बजट का। और उनसे जानेंगे कि कैसे जो बड़ी ब्रांड है वैसे ये ब्रांड उनकी टक्कर की है कि नहीं, और ये जो है उनका खुद का असेंबलिंग करते हैं, खुद का कुछ पार्ट दूर दूर से मंगा के और कुछ चीजें खुद बना के असेंबलिंग करते हैं। पूरा डिटेल में हम उनसे जानेंगे। चलिए मनीष जी से बात। तो हमने मनीष जी से अपनी इच्छा जाहिर की थी गांव पे, भाई के गांव पे मम्मी पापा रहते हैं, और वहां पे पानी का जो वाटर लेवल कितना था हमारे यहाँ के, अगर 300 से ऊपर था। मैं अभी आपको यहाँ का टीडीएस दिखाते हैं। ये नॉर्मल पानी है यहाँ का, ये हमारे जो नर्मल जो टंकी से आ रहा है, और यहाँ जूम करके दिखाइए थोड़ा सा। 358 है। 358 जी। पीने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो कितना चाहिए आपको टीडीएस जो वैसे आम मार्केट में तो लोग 30-35-40-50 इस तरह से बेचते हैं लोग, लेकिन हमने आपको आपके लिए 70-80 के लगभग में रखा हुआ है। अच्छा जी, इसका थोड़ा सा जो आरओ का पानी इसका थोड़ा दिखाएंगे? जी जी बिल्कुल दिखा देंगे। ये आपका 68 है। ये 68 है, ये जो आरओ से पानी आ रहा है ये 68 है टीडीएस इसका। टीडीएस माने 100 से नीचे होना चाहिए तो शुद्ध माने बढ़िया पीने वाला होगा। जी 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 जी। तो
अभी मनीष जी ने ये अभी हमको लगा के दिया है और ये एक्वा जियो कंपनी जी। तो थोड़ा सा बहुत लोगों को डाउट ये हो रहा होगा कि भाई ये कौन सा ब्रांड है, ये जैसे बहुत सारा टीवी पे ऐड देख रहे होंगे कि भाई एक्वा गार्ड और कौन सी एक ब्लू माउंट है, कैंट है, कैंट है, हाँ एचपी है, बहुत सारी कंपनियां है इसमें। तो ये जो है आपका खुद का है जी, ऐसा क्या असेंबलिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जी पहले तो सारे पार्टों का ट्रेडिंग किया जाता है और जो सारे पार्टों को जोड़ करके किसी मशीनरी का रूप दे दे उसी को मैन्युफैक्चरर भी कहेंगे। अच्छा उसी को मैन्युफैक्चरर। जैसे मेरा ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे मनीष जी से बात हो रहा था तो मनीष जी ने कहा कि भाई जो कैंट है या एक्वा गार्ड है नामी कंपनी है आरओ के फील्ड में, अगर जिसके बारे में बात किया जाए तो, और बड़े बड़े स्टार प्रचार करते हैं उनके, तो लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये लोकल है, तो थोड़ा सा कैसे सिमिलर कैसे ये बताएंगे? सिमिलर इसलिए कि उसमें भी यूवी होता है, उसमें भी कार्बन सेडिमेंट होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें भी सेम क्वालिटी का इसमें अंदर में चीजें डाल करके आपको दी गई है। अच्छा। वो जब आप इसको जब यूज करना से स्टार्ट कर देंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसकी लाइफ क्या है, अंदर की जो पार्टें हैं उनकी इम्पोर्टेंस ही होती है। मैंने सिंपल भाषा में अगर कहें, जैसे ये अगर टेक्निकल भाषा ना यूज करके सिंपल भाषा में लोगों को हम समझाएं तो ये कह सकते हैं कि जो केंट के अंदर में है, जो एक्वागार्ड के अंदर में है, वही चीज इसके अंदर में भी जी। मैंने अंदर की क्वालिटी दुनिया की जितनी भी आरओ है सब सेम ही होता है। पानी इसका अगर चेक कर लीजिए और कैंट का चेक कर लीजिए, चाहे एक्वागार्ड का चेक कर लीजिए, एनीवे कोई भी कंपनी हो, पानी के सिमिलरिटी में कोई अंतर नहीं दिखा पाएगा। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक्वा जो ये आरओ से जो पानी आता है उसमें कुछ मिनरल्स खत्म हो जाते हैं? जी मिनरल तो खत्म होंगे क्योंकि उसमें जो भी हैवी मेटल रहते हैं और शरीर को जो प्राप्त होने वाले मिनरल होते हैं, अगर जीरो टीडीएस का मिनिमम टीडीएस का पानी पियेंगे तो बुराई के साथ में अच्छाई भी बह जाता है। अच्छा। इसलिए 100 का कंसेप्ट बना करके रखना सही रहता है कि 100 में वही और 70 में सारे चीज बचे रहते हैं। अच्छा, टीडीएस में होता है क्या ये? टोटल डीजल सॉलिड होता है। अच्छा जी, तो मैंने ये एक्वा एक तरह से कहें कि लोकल में बना हुआ है, क्योंकि देखिए हम शुरू से जो भी वीडियो में हम आपको कहते हैं कि लोकल को सपोर्ट कीजिए और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी शुरू से यही कह रहे हैं कि लोकल को सपोर्ट कीजिए, जो लोकल में काम कर रहा है, जो लोकल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आपके लिए, उसको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैंने वो काम नहीं करना चाहेगा, बाहर प्रदेश निकलेगा। अगर आपके लोकल में रहकर वो काम कर रहा है आप सपोर्ट कीजिएगा तभी वो आगे बढ़ेगा और वो काम करने में उसको मजा भी आएगा लोकल में। तो हमें और भी कंपनियां, जिसे ऐसा नहीं है कि भाई आरओ मैं कैंट का खरीद सकता था, एक्वा गार्ड का खरीद सकता था, मैं मनीष जी से राय लिया कि भाई मनीष जी मुझे घर में, क्योंकि मनीष जी से मैं मिला था, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, तो मनीष जी से मैंने राय लिया था कि हमें घर पे गांव के लिए अपना एक चाह रहे हैं कि आरओ लगवाएं, तो मनीष जी बरसात में भींगते हुए जैसा आपने देखा आके यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये जो टोटल ये क्या है इसकी कैपेसिटी, थोड़ा इसका डिटेल बताएंगे? जो भी अगर घंटे में मान के नहीं चलिए एग्जैक्टली 15 लीटर प्रति घंटे का ये पानी आपको देगा, कितना भी बड़ा परिवार हो। हाँ, परिवार के लिए 15 लीटर काफी है जी। खाना बनाने का टोटल काम इस पानी से हो सकता है, पीने का भी हो सकता है, टोटल काम ये आरओ आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो जैसे बहुत सारे मित्र हमारे जानना भी चाह रहे होंगे कि टोटल खर्च क्या आएगा इसमें लगवाने में, मान लीजिए अगर आपसे कोई संपर्क करता है तो इसे कितना खर्चे में वो घर करने लगा सकता है? लगभग में सर इसको 4500 के लगभग में दे दिया जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी इसके अलावा होते हैं, इसलिए कि कितना दूरी तय करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। अभी आप देख रहे होंगे 80 किलोमीटर से अब आए हैं यहाँ पे और भी इनके साथ स्टाफ भी हैं जी, तो ट्रांसपोर्टिंग तो खर्चा ही जी। और बाकी जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हैं जी, तो और कोई अगर आपसे जुड़ के मैंने अगर सेल करना चाहे मार्केट में, और कोई मैंने कुछ बिजनेस करना चाहे आपसे, क्योंकि मैन्युफैक्चर है तो आप ट्रेनिंग के लिए तो देते होंगे जी, तो उसके लिए क्या सुविधा आपके लिए, उसका उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि जो दाम होते हैं, रेट होते हैं इसके, प्राइस मूल्य पार्टों के, वो फ्लेक्सिबल होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए जब कम आएगा तो कम दिया जाएगा, ज्यादा आएगा तो ज्यादा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अकेले हम हैं, पूरी दुनिया इस चीज को जानती है, अप डाउन होते रहता है। अच्छा, मैंने जो घर पे यूज करने के लिए जो रेट आपने बताया 4500 रूपए जी, नेगोशिएबल जी, मैंने उसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है, तो आप डिस्काउंट ले सकते हैं, मनीष जी से आपका हक है भाई, आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और कोई भी आरओ, कोई बड़ी ब्रांड हो, केंट हो और एक्वागार्ड हो,
मनीष जी के कहे अनुसार, जैसे मुझे तो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, अंदर का जो पार्ट होता है वो सेम होता है, सबका जो सेम चीज लगता है और कोई अंतर नहीं है, एक्वा जियो हो या एक्वा गार्ड हो या एक्वा फ्रेश हो, सब सेम है। सर एक समझने वाली बात है, ये बताइए अगर आप मलेरिया या कोई बहुत बड़ा चीज आपने हासिल कर लिया स्वर, तो आपके चेहरे की कीमत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक्वा गार्ड है, चाहे कैंट है, चाहे एनीवन कोई भी हो, मैं भी हूँ, आप भी हैं, कोई भी हो, अगर उस तरह का एम्बेसडर बन जाता है, ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, तो चेहरे की कीमत, विज्ञापन का कीमत लगता है, वो अंतिम उपभोक्ता ही उसका पेयर बनता है, वो उपभोक्ता पे ही आता है। जी जी। तो कहने का मतलब आपका कि जो एड पे कंपनियां खर्च करती है वो कहीं ना कहीं कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली सही है। इसीलिए जो कंपनियां हैं वो महंगे मिलते, मैंने ब्रांडेड जो है कैंट और ये सब महंगे मिलते हैं। जी। और इसके अंदर की जितनी भी पार्टें हैं, टोटल होलसेल में हमारी ट्रेडिंग है। मतलब कोई दुकानदार छोटा मोटा जिस लेवल का है, सेल्स सर्विस तो हमारा ही है, उसके बाद भी टोटल इसका होलसेल का हमारा काम है। कोई भी भाई जुड़ करके हमसे प्राइस रेट लिस्ट ले करके और काम कर सकता है। और इसकी गारंटी, फुल गारंटी है कि अनुमान से लगा करके कह रहे हैं कि हमारे इतना चीप एंड बेस्ट इधर दो चार जिलों में कोई नहीं देता है। बहुत अच्छी बात है। और कहने का मतलब ये सर्विस की जहाँ बात आ रही है, तो ये बीच में कुछ चेंज भी होता है इसका, एक महीने छह महीने पे? एक्चुअली एक साल में फुल सर्विस हम लोग कर देते हैं, आपसे भी बताए हैं बीच में कि हम छह महीने पे आएंगे और आपका पूरा टोटल ए टू जेड चेंज करके चले जाएंगे। इस छह महीने के दरमियान में आपको इसमें कुछ छूना नहीं है। तो ये तो मेरा व्यक्तिगत आपसे था। कहने का मतलब कि आप सर्विस लगाने के बाद भी आप देख रहे सर्विस सर्विस सब देते रहेंगे ना, ये मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, ये तो वीडियो से पहले भी हम आपसे बताए, मेरा तो आपसे बात हो गया, मैं व्यूअर के लिए पूछ रहा हूँ, जो आपसे लेके लगवा रहा है तो उनका सर्विस आप देंगे। जी, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अगर आरओ लगाने का मन है या आरओ प्लांट, जो वाटर प्लांट जो बड़ी वाली जो बिजनेस के लिए लगाना चाहते हैं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था मनीष जी के साथ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। और ये अगर घर के यूज के लिए कुछ लगाना चाहते हैं, तो अभी जैसा रेट इन्होंने कहा उसमें भी डिस्काउंट कर रहे हैं कि अगर डिस्काउंट होगा, कुछ नेगोशिएबल है जो प्राइस है, आप मिल के जब बात करेंगे तो ऊपर नीचे, और काफी व्यवहारिक आदमी है, जब बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली ये टीडीएस मीटर है जो सर जी, ये मार्केट में 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, हमको पता नहीं है कितने तक बिकता है जी, लेकिन इसको मार्केट में हम 160 रुपया में सेल करते हैं। अच्छा, ये भी आप सेल करते हैं जी? अच्छा, पानी से जुड़ी हुई हर चीज आपके पास जी, ये 160 रुपये में मिल जाएगा जी, जबकि देखा जाए एक महीने में तो दो चार पांच जिलों में लोग नहीं देते हैं। तो ये जो चीज है, ये थर्मामीटर के जैसे घर पे रखने वाली चीज है, कोई भी पानी अगर आपको लगे कि भाई पानी खराब है तो नाप सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मनीष जी का नंबर मिल जाएगा और आप लाभ उठाइए इनका, भाई लोकल में काम कर रहे हैं, लोकल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपके लिए, आप नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो फिर इनका कैसे काम करने में लोकल में मजा नहीं आएगा। जो भी लोग लोकल स्तर पे, जैसे दिल्ली पंजाब छोड़ के अगर लोकल स्तर पे कोई काम कर रहे हैं, आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए। और आप सभी देख रहे हैं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने खुद ऑर्डर देके इनसे मंगवाया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट करें और आरओ का अगर फ्यूचर में प्लान है आपको ऐसा कुछ तो इनसे बात करें, पूरी जानकारी इनसे मिल सकती है। मैं बस आपको आज ये दिखाना चाह रहा था कि भाई इनकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि भाई पडरौना से 80 किलोमीटर से बारिश में ये चल के कमिटमेंट किए थे कि भाई मैं पहुंचूंगा, आज पानी पिलाऊंगा आरओ का, तो पहुंच के आज इन्होंने पानी पिलाया मुझे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग जो आरओ लगवाना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और ये इंजीनियर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बारिश में आपने सर्विस दिया, इतने आपकी यात्रा मंगल में है। अभी इस बात की खुशी है कि आपने हमें सेवा का अवसर दिया जो खत्म कर दिया गया, और इसी आरओ के माध्यम से परमानेंट आपसे रिलेशनशिप भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वादा किया था कि आज हम पानी पिलाएंगे आपको, तो आपने पिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।